मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रेडीमेड गारमेंट उद्योग का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दतिगांव भी मौजूद थे। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि भोपाल के अचारपुरा में गोकुल दास एक्सपोर्ट्स की रेडीमेड गारमेंट्स इकाई 15 महीनों के रिकॉर्ड समय में न केवल तैयार हो गई, बल्कि आज इसका शुभारंभ भी हो गया है। इस इकाई में प्रत्यक्ष 5,000 व अप्रत्यक्ष 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में भी 15,42,550 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आए थे, जिसमें से 16,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव केवल गारमेंट सेक्टर से आए थे। यह मेरे लिए खुशी की बात है कि इसमें 1,00,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल में अब गीता और रामायण भी पढ़ाई जाएगी। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विद्या भारती के कार्यक्रम में सुघोष दर्शन में कही। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि हम सरकारी स्कूलों में हमारे धर्म ग्रंथों की शिक्षा देंगे, गीता का सार, रामायण, राम सेतु और महाभारत के प्रसंग पढ़ाएंगे। ऐसे लोग जो महापुरुषों का अपमान करते हैं उनको सहन नहीं किया जाएगा। मध्य प्रदेश में इन ग्रंथों की शिक्षा देकर हम बच्चों को नैतिक शिक्षा देंगे। एक शिक्षा का और पक्ष है, नैतिक शिक्षा और अध्यात्म की शिक्षा। जैसा आदरणीय गोविंद चंद महंत जी कह रहे थे, नैतिक शिक्षा साविद्या या विमुक्तये। आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने कहा, शिक्षा वो जो मनुष्य को मनुष्य बना दे। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, नैतिक शिक्षा भी जरूरी है, मनुष्य मनुष्य तो बने पढ़ने के बाद, और वो नैतिक शिक्षा विद्या भारती देती है। मुझे कहती है, दुख होता है कि कुछ लोग इस देश में आज भी ऐसे हैं जिनको हमारी संस्कृति, हमारा जीवन दर्शन, हमारी परंपराएं, हमारे महापुरुष, हमारा अध्यात्म और धर्म, उनकी आलोचना करने में ही आनंद आता है। ऐसे लोग मूढ़ हैं, वो इस देश को और देश की संस्कृति को नहीं जानते। वो नहीं जानते कि वो कितना नुकसान कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे पलाश चंदेल पर एक आदिवासी युवती ने रेप का केस दर्ज करवाया है। युवती ने रायपुर के महिला थाने में दी अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि चांपा निवासी पलाश चंदेल पिता नारायण चंदेल नाम के युवक ने उसके साथ रेप किया था और जब वह गर्भवती हो गयी तो उसका गर्भपात करवा दिया गया। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे पर लगे आरोपों पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व सीएम रमन सिंह पर हमला बोलते हुए कहा कि रमन सिंह कहते थे कि यदि बेटा गलती करे तो पाप को लटका देना चाहिए। आदिवासी महिला के साथ अनाचार के आरोपी नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल जी के पुत्र के कृत्य पर भाजपा के किसी भी नेता ने निंदा तक नहीं की। क्या भाजपा के नेता पूरी वारदात को छिपाने में लगे हुए हैं? बिल्कुल ठीक करते हैं, रमन सिंह जी के अपने बयान को देख लें, यदि बेटा गलती करे तो बाप को लटका देना चाहिए बोले थे ना, आज क्यों अपने बयान से ऊपर लड़ रहे हैं? वही रमन सिंह जी मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने कहा था कि यदि बेटा गलती करे तो बाप को लटका देना चाहिए, और ये पर उपदेश कुशल बहुत है ना। किसी आदिवासी महिला के साथ अनाचार हो और उसके बाद रमन सिंह जी इस प्रकार से बयान दे रहे हैं, तो आप दूसरों के लिए कानून अलग है, उसके लिए कानून अलग है। रमन सिंह के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक भी निंदा नहीं किए। व्यक्तिगत मामला है तो निंदा तो करो कम से कम, वो तो कर नहीं रहे, गिरफ्तारी की मांग तो कर नहीं रहे, ऐसा तो नहीं कि छुपाने में लगे हुए। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार प्रदेश के 7,50,00,000 कर्मचारियों को 4% महंगाई भत्ता यानी डीए देने जा रही है। कर्मचारियों की डीए बढ़ाने की घोषणा शनिवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नसरुल्लागंज में आयोजित एक कार्यक्रम में की थी। इससे राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ता अब 34 से बढ़कर 38% हो जाएगा। मध्य प्रदेश के रतलाम में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक शख्स ने पारिवारिक विवाद के चलते अपनी पत्नी और दो बच्चों की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद तीनों के शवों को अपने अपने घरों के बरामदे में दफना दिया गया। पड़ोसियों ने शक होने पर पुलिस को शिकायत की थी। इसके बाद पुलिस ने पूरे मामले की जांच की और आरोपी पति को पकड़कर सख्ती से पूछताछ की तो इस हत्याकांड का खुलासा हो गया। पुलिस ने हत्या के आरोपी पति को गिरफ्तार करने के साथ ही तीनों के शव भी बरामद कर लिए हैं।
आज डीडी नगर थाना क्षेत्र में एक बहुत ही गंभीर और सनसनीखेज घटनाक्रम सामने आया है। इसमें गोपनीय सूत्रों से हमें जानकारी ऐसी प्राप्त हुई थी कि एक परिवार जो उस जगह निवासरत था, परंतु विगत कुछ समय से वहाँ पर जो महिला और बच्चे नहीं दिख रहे थे और जो व्यक्ति पति भी उसका आना जाना बहुत इरेगुलर टाइम्स में हो रहा था या वो उसके भी व्यवहार से कुछ असहजता महसूस हो रही थी। इसको ध्यान देते हुए इस चीज़ की बारीकी से तहकीकात की गई। फिर किसी से पूछताछ करने में ये भी पता चला कि यहाँ पे कुछ समय पहले कोई एक गड्ढा भी खोदा गया था। इन सब चीज़ों को गंभीरता से लेते हुए जब उसमें पूछताछ हुई तो एक बहुत ही बड़ी घटनाक्रम का खुलासा हुआ है। इसमें पति द्वारा अपनी जो पत्नी जो साथ रह रही थी और साथ में जो दो बच्चे थे, इन तीनों ही व्यक्तियों की हत्या बड़े निर्मम तरीके से की गई और हत्या करने के बाद अपने एक दोस्त की सहायता से उसको घर के जस्ट बाहरी आंगन में एक गड्ढा खोद के लाश को दफना दिया गया। न्यूजीलैंड भारत की खेली जा रही वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच इंदौर में 24 जनवरी को खेला जाएगा। इस मुकाबले से एक दिन पहले इंडियन क्रिकेटर्स ने उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन कर पूजा अर्चना की और माथा टेका। इस दौरान भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव, कुलदीप यादव और वाशिंगटन सुंदर बाबा महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुए, महाकाल का पंचामृत पूजन किया। इस अवसर पर तीनों खिलाड़ियों ने अपने साथी क्रिकेटर ऋषभ पंत के जल्द स्वस्थ होने की भी कामना की। इस दौरान भगवा बहने सूर्य कुमार यादव, कुलदीप यादव और वाशिंगटन सुंदर पूरी तरह शिव भक्ति में लीन नजर आए। इस अवसर पर उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया भी उनके साथ थे। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में एक कपल का वीडियो वायरल हुआ है। बाइक पर रोमांस का वीडियो वायरल होने के बाद उस कपल को गिरफ्तार कर लिया गया है। दुर्ग एसपी अभिषेक पल्लव ने बताया कि लापरवाही से बाइक चलाते हुए और अश्लीलता करते हुए एक कपल का वीडियो वायरल हो रहा था। पुलिस ने इसका संज्ञान लिया और मामला दर्ज किया। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरे मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड से राहत मिल गई है। दो दिन पहले तक ग्वालियर चंबल संभाग न्यूनतम तापमान 3 डिग्री के आसपास चल रहा था, जब 8 डिग्री के आसपास चल रहा है। प्रदेश में सबसे ज्यादा गर्म नर्मदापुरम संभाग रहा, जहां रात का तापमान 17 डिग्री दर्ज किया गया। रात में बुंदेलखंड के साथ ग्वालियर और चंबल संभाग में हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन तक प्रदेश का मौसम ऐसा ही बने रहेगा और मौसम के साफ होने के बाद एक बार फिर से कड़ाके की ठंड की वापसी होगी।